to see you children in our previous classes. We are studying in our previous lectures, we are studying or we are discussing about the rise of the nationalism in Europe, and we have already completed the in our first lecture, that is introductions lecture, and in the second lecture we have completed the French Revolution and the idea of nations. So today children, we shall see that is what the third lecture, in our third lecture that we will discuss here today, the making of nationalisms in Europe. So children, this is the third lecture of history chapter, the rise of nationalism in Europe. So इस lecture में हम बात करेंगे यूरोप में nationalism की making के बारे में. तो किसी भी nations की formations के लिए लोगों के बीच में common identity, common culture, कॉमन ट्रेडिशंस और बहुत सारे चीज़ों की कॉमन होना बहुत जरूरी होता है, जरूरी है. तो बच्चों, यूरोप में ऐसा नहीं था. एग्जाम्पल अगर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हाब्सबर्ग एम्पायर में लग्जरमान, इंग्लिश, फ्रेंच, इटाली, इतने सारे लैंग्वेज बोलते थे. तो इसलिए वहाँ पे नेशंस के फॉर्मेशंस के लिए नेशनलिज्म की मेकिंग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. नेशनलिज्म की मेकिंग को समझने के लिए हम यूरोप सोसाइटी का स्ट्रक्चर, लिबरल नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म और रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स अपॉन द टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब हम यूरोप, यूरोपियन सोसाइटी की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 19th सेंचुरी से पहले यूरोप में सोसाइटी दो क्लास में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री. जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉपुलेशन वाइज कम थी, पर जो पीजेंट्री थी वो पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा थी. एरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड थी और सोशियली पॉलिटिकली वाइज डोमिनेट करते थे, पर जो पीजेंट्री थे वो डोमिनेटिंग नहीं थे, यानी कि वो लो क्लास पीपुल थे. जो एरिस्टोक्रेसी थी उनके पास बहुत सारे, बहुत ज़्यादा लैंड थे और वो लैंडलॉर्ड थे, पर जो पीजेंट्री थी वो लैंडलेस फार्मर्स थे, यानी कि वो टेनेंट्स थी. उनके पास या तो लैंड नहीं थी या फिर वो किसी के घर पे रेंट में रहते थे. तो बच्चों, ये था एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री के बीच में डिफरेंस. और साथ ही साथ जो एरिस्टोक्रेसी है उसको वोटिंग राइट्स और सारे राइट्स दिए जाते थे, पर पीजेंट्री को कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता था. तो उससे आप देख सकते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी बहुत और इक्वली डिवाइडेड थी. और तो और 19th सेंचुरी के बाद और एक क्लास ऐड हो गई, वो थी न्यू मिडिल क्लास. न्यू मिडिल क्लास न्यू मिडिल क्लास एंड सिचिन लेर. तो न्यू मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास थी उसके अंदर एजुकेटेड लोग थे. एग्जाम्पल कर दिया, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, ये सारे न्यू मिडिल क्लास में थी और वे एजुकेटेड थे. इसलिए उन्होंने डिमांड किए इक्वल सोसाइटी की, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म की. तो आइए बच्चों समझते हैं लिबरल नेशनलिज्म. लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट कंसेंट और फ्रीडम ऑफ मार्केट्स. लिबरल नेशनलिज्म से नेशनलिज्म के आइडिया हर जगह स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से 1799 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, जिसके बारे में हम सेकंड लेक्चर में पढ़े थे.
द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन में हम पढ़े थे इसको. ओके एंड यू सी फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पर एक स्टेट के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज थी उसको एबोलिश कर दिया गया. एक स्टेट के अंदर जो सारे कस्टम ड्यूटीज थी उसको एबोलिश कर दिया गया. पर स्टेट टू स्टेट जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको एबोलिश नहीं किया गया. इसके लिए एक यूनियन फॉर्म की गई जिसका नाम था जलबरेन. उसका काम था कि यूरोप में जितना भी टैरिफ बैरियर्स है उनको एबोलिश करना. और साथ ही उन्होंने 30 करेंसी से 28 करेंसी को एबोलिश कर दिया. यानी कि अब यूरोप में सिर्फ दो करेंसी यूज की जाती है. नेपोलियन के टाइम पर सबको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती थी. सिर्फ मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है कर सकते थे. ओमैन और जिन मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं कर सकते थे. तो अब बात करते हैं कंजर्वेटिज्म के बारे में. 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया. और इसके लिए ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूसिया तीनों ने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया. और बच्चों उसके बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि फ्रांस में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है और जो सोसाइटी है उसको प्रिजर्व भी करके रखा जाए. इसके लिए जितने भी नेपोलियन के टाइम पे चेंजेस आए थे उनको अंडू किया गया. इसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी और उसका नाम रखा गया था ट्रीटी ऑफ वियना. उसके अंदर तीन मेजर डिसीजंस लिए गए थे. पहला डिसीजन था कि फ्रांस की बॉर्डर पर स्टेट फॉर्म हुए जिसके वजह से फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंड नहीं कर पाए. फिर सेकंड डिसीजन था बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए. फिर थर्ड डिसीजन जो मोनार्ची था उसको कंटिन्यू रखा गया. तो यूरोपियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को अपोज करने के लिए रिवोल्यूशनरीज़ राइज हुई. रिवोल्यूशनरीज ने इंटरनली कुछ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की जिनका एम था नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना और ट्रीटी ऑफ वियना को अपोज करना और साथ ही साथ फ्रीडम के लिए लड़ना. बच्चों एक रिवोल्यूशनरी था जिनका नाम था गिसिपी माजिनी. वो इटालियन था. उसने इंटरनली यंग इटली और यंग यूरोप दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी. और जो सारे कंजर्वेटर्स थे गिसिपी माजिनी से डरते थे क्योंकि वो चाहता था यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो बच्चों इस लेक्चर में हम बात करें मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में. रीड वेल, स्टडी वेल.